सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। बिल्कुल ठीक किए, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। देखना मैं इनके साथ करती क्या हूँ। दानियाल को कहूँ ना, उसे समझाए, उससे बात करें। मुझे यकीन है कि वो चुपचाप उसके साथ चली है। नहीं अंकल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बस बस अब मेरी तरफ से यह रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए अब रोज रोज की जिल्लत बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मैं इस रिश्ते से ही जान छुड़वा लूं। तुमने मेरी और इजाज की सारी दुआएं की थी वहां? जी पुप्पो जान, ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ ना करूं? बहुत सारी दुआएं की थी। चलो अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करे, और मेरी दुआ भी कि तुम जल्द अज जल्द बेटी बनकर मेरे घर आओ। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। भाईजान ने तो कहा था कि अमरे से वापस आएंगे तो आते साथ तुम्हारे और इजाज की शादी की तारीख तय करेंगे। अब मैं देखती हूँ कितना इंतज़ार करवाते हैं मुझे। भाईजान मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। बेटा मैंने तुम्हारे लिए खाना बनवाया है, बाद में आराम कर लेना। भाईजान मैं बाद में खा लूँगी, मैं पहले आराम करना चाह रही हूँ। जैसे तुम। लावा आ जाए ना तो फिर अस्बाब भी पैदा हो जाते हैं। सफर तो पहले थे, अब तो ये समझी होंगे। हाँ भाई जी भी सब ठीक है। आप खैरियत से घर आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भाभी आपके साथ वापस क्यों नहीं आई? तो पता तो है तुझे, भाई उसका जद्दा में रहता है, कुलसुम का दिल था थोड़े दिन वहाँ ठहर जाते। मैं कहा ठीक है भाई, गुजार लो तुम भी थोड़े दिन यहाँ, हम भी को आज़ादी से सांस ले लें। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, आपका भाभी के बगैर दिल नहीं लगता। खुशी तो नहीं हुई होगी इजाज़त देते हुए? अरे खुशी की क्या बात है, जिस बात में उसका दिल खुश है हमारा भी दिल खुश है। जब अच्छी तरह रह लेगी, दिल करेगा आ जाएगी। चलिए तो अच्छी बात है। भाईजान वो इजाज और जी कर लेंगे बात, करेंगे बातें यहाँ बैठ के करेंगे। तूने अभी इधर ही घर रहना, अपने नहीं घर जाना जब तक कुलसुम नहीं आ जाती। तानिया के पास रहेंगे तू, और जहाँ तक तेरे घर का सवाल है, ये जाजी है ना, है? ये हिफाजत करेगा, घर ठहरेगा। ठोको जाके क्यों गई? आपका हुक्म सर, आंखों पर भाई जान, मैं खाना लगा। हाँ हाँ बस एक लफ्ज भी और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
डैड आप? सॉरी मुझे पता ही नहीं चला, आप कब आए? कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूं। तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी बेटी इस तरह तन्हा और उदास होगी। नहीं नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा बेटा, मगर शर्त यह है कि खूब अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना, जल्दबाजी में कुछ ना बोलना। क्या तुम दानियाल के साथ शादी करके पछता तो नहीं रही? बेटा कि क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? I don't know dad. मैं दानियाल को पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। पर dad, वो पहले जैसा नहीं रहा। मैं जिस दानियाल को बचपन से जानती थी अब वो वैसा नहीं है डैड। डैड, उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर शाउट किया। मैं मानती हूँ मेरी गलती होगी, पर डैड इतनी बड़ी भी क्या गलती कि उसने मुझ पर हाथ। I am so confused, Dad. Dad, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके साथ रहना चाहती हूँ। पर वो सब कुछ दोबारा भी तो हो सकता जो मेरे साथ पहले हुआ है। डैड आप आज अंकल तारिक के घर गए थे, दानियाल मिला था आपको? डैड उससे पूछा आपने वो क्या चाहता है? डैड क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा? जवाब दे ना मुझे प्लीज डैड। कौन सा सबक पढ़ा रहे हो मेरी बेटी को? हरीश बेटा, इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। एक लूजर कभी भी किसी को जीत का सबक नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, क्या साहब? अरविंद, बैठो बैठो। आवे खैर दिन, क्या हाल है तेरा? अल्लाह का बड़ा शुक्र है चौहान साहब, आपकी दुआ से फसल इस साल बहुत अच्छी हुई है। रंग लग गए चौहान साहब, रंग लग गए हैं। शुक्र अल्लाह का,
वो क्या कहते हैं मियाँ साहब, कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना पर पर मुश्कां पावे, मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। ओ रब सोना बड़ा मेहरबान है, किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, लेकिन उसका रहम ही मांगना चाहिए। अच्छा वो बेटी की शादी हो रही थी, कोई तारीख तय की कि नहीं? चौहान साहब, शादी की तैयारियां सारी हो चुकी हैं, बस आपकी वापसी का इंतजार था। अब आप आ गए हैं, अल्लाह के करम से आप जो तारीख तय करेंगे हम रुख्सत कर देंगे बेटी को। वालेकुम सलाम। अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। अच्छा भी ख्याल नहीं, बेटी का रिश्ता अपनों में किया है या गैरों में? अपनों में किया है जी, बेटियां घरों में देने का हौसला नहीं है चौधरी साहब। चौधरी साहब अपने अपने ही होते हैं, मारकर भी छांव में डालते हैं जी। ये बात गलत है खैर जी, अपना हो लेकिन बेटी के काबिल भी तो हो ना। उस अपने का क्या फायदा जो बेटी के काबिल ही ना हो? बात तो आपने सोना ने ठीक ही है चौधरी साहब, क्या करें, अपनों को रिश्ते से इनकार करें तो दुश्मनों से भी बदतर हो जाते हैं, इसलिए उनको हाँ करनी पड़ती है। चौधरी साहब आपकी मेहरबानी से मेरी बेटी एफए पास है, मगर जिससे मैंने उसका रिश्ता किया ना बिल्कुल अनपढ़ है, बस एक ही खूबी है उसमें, मेरी बहन का बेटा है वो, वरना तो वो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, मगर बहन को कैसे इनकार कर सकता हूँ? कमाल है भाई, अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते लेकिन अपनी बेटी पे जुल्म कर सकते हो? ऐसा ना करो खैरदीन, अगर अपनी बेटी के खैरखा नहीं हो तो कहाँ के खैरदीन हो? अपना खुदा बख्श नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? गांव छोड़ के चला गया मगर क्यों? जी मैंने पूछा है खुदा बख्श गांव छोड़ के क्यों चला गया, बोलता क्यों नहीं? मेरी प्यारी बेटी। एक मिनट, चाय मत पीजिएगा अबू। क्यों भाई, चाय क्यों मत पीजिएगा? क्योंकि चाय के साथ मिठाई भी खाएंगे। मिठाई किस खुशी में? क्योंकि मेरी नौकरी हो गई अबू। तेरा बच्चा, अरे मिलो भाई को, मिलो यार। और अबू आपको पता है मुझे नौकरी कहाँ मिली है? कहाँ? उसी कंपनी में जिसमें मेरी ख्वाहिश थी। देखा बेटा, मैं ना कहता था कि तुम्हें एक ना एक दिन ये नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी कामयाबी के लिए दिन रात दुआएं की। मेरा दिल कहता था कि मेरे खुदा के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, और वो जब देता है ना तो चप्पड़ फाड़ के देता है। ठीक कह रहे हैं बाबू, मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और बताया अबू, मैं इतनी मेहनत करूंगा ना कि सबको पीछे छोड़ दूंगा, अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगा। और अबू बहुत साथ दिया आपने, अब मेरी बारी, अब मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। मेरा प्यारा बच्चा। क्यों ना भाई, इस खुशी के मौका पर मैं भी एक बात कहूं? आप बोलो। क्यों ना आप भाभी को माफ करने का ऐलान कर दे, हो सकता है आपको ये नौकरी भाभी के नसीब से मिली हो। क्या मतलब है तुम्हारा?
मैंने दिन रात जाकर तालीम हासिल की, नौकरी की तलाश में अपनी जूतियां घिसा दी, उसका कोई मतलब नहीं, कोई अहमियत नहीं। उसकी अहमियत है, मगर बीवी का नसीब भी तो होता है ना। क्यों अबू? अगर ये नौकरी मुझे उसकी नसीब से मिली है ना, तो नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। अरे बेटा, ऐसे खुशी के मौके पर इतने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया करते। मैं मानता हूँ कि तुम्हें ये नौकरी तुम्हारी ही काबिलियत की वजह से मिली है, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि वो तुम्हारी शरीक हयात है, अभी तुम्हारे निकाह में है, और तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। अबू प्लीज, इस वक्त मैं ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना चाहता। बात करना पड़ेगी तुम्हें दानियाल, बात करना पड़ेगी। देख मेरा बेटा, रिश्ते जो होते हैं ना, ये अल्लाह की नेमत होते हैं, और उन्हें इस तरह से नहीं ठुकराते। मैंने ठुकराया? अब ठुकरा कर वो गई है मुझे, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारूं जो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अच्छा अबू, आप तो चाय पिए ना। अरीज, अरीज कहाँ हो? अरीज कहाँ हो तुम? अरीज कहाँ? छोटे बीवी तो अपनी गाड़ी पर कहीं गई है। गाड़ी पर गई? कहाँ जा सकती है? बहुत अच्छा किया जो मुझे मिलने चले। कसम से मेरा बहुत ही दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, बल्कि सोची थी कि अपने शौहर को भी ले आती, मैं भी देख लेती उसे कैसा है वो। खुश तो हो ना? मुझे देखकर लगता है आपको कि मैं खुश हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों खुश नहीं हो? तुमने तो अपनी पसंद से शादी की है ना। दुख वहीं से मिलता है जहाँ इंसान ने अपनी खुशियों की उम्मीद लगाई होती है। खुशी अपने बस में थोड़ी होती है खाला। हाँ, खुशी अपने बस में नहीं होती, लेकिन बेटा खुशी अपने बस में करनी पड़ती है। तुम मुझे बताओ तो सही, क्यों इतनी परेशान है? क्या तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? मैं दानियाल का घर छोड़ आई हूँ खाला, उसे मेरे सिवा सबकी परवाह है। मुझसे तो लगता है जैसे उसने जबरदस्ती शादी की है। ये क्या कह रही हो रीज? तुमने अपने घर छोड़ने की गलती क्यों की है? शादी वाले दिन ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि वो मेरा घर नहीं है। जो भी दो चार दिन वहां गुजारे, अजनबियों की तरह ही गुजारे। हेलो हरीज, कहाँ तुम बेटा? कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? पहली बार घर से बाहर नहीं निकली हूँ मैं। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ देर में वापस आ जाऊंगी घर। तुम मुझे बस इतना बताओ कि इस वक्त कहाँ हो? चुप क्यों हो गई बेटा? कहीं तुम दानियाल के पास वापस तो नहीं चली गई? नहीं मामा, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अब दानियाल के घर तभी वापस जाऊंगी जब वो मुझे खुद लेने आएगा। तो फिर अब कहाँ हो बेटा? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी,
आप प्लीज परेशान मत हो। अरे कहीं सिकंदर से मिलने तो नहीं चली गई? तुम्हारी खामोशी का मतलब समझ गई मैं। ठीक है तुम घर वापस आओ, फिर बात करती हूँ मैं तुमसे। बेटा तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन मैं अपने दिल में नहीं रखूंगी, बोलूंगी जरूर। तुम्हारी माँ एक कारोबारी औरत है, वो कारोबार तो अच्छा कर सकती है लेकिन रिश्ते नहीं निभा सकती। कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं, अगर मेरी सोच तुम्हारी इर्द के तवाफ करती रहती है। मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर सकी, मुझे आपको घर के दरवाजे से वापस नहीं भेजना चाहिए था। मेरी हर खुशी के लिए मैं हर गम उठाने को गया और तुझे दुखी नहीं देख सकता। इजाज की बदतमीजियां तो बढ़ती ही जा रही है, मुझे बाबा जान से बात करनी चाहिए। मुझे साहब कौन है जो उनसे जमीनें खरीद रहा है? चौधरी इजाज, सन्नाटों के मेले होंगे रिश्ते जब सुतेले हो।